हेलो दोस्तों, अगर आप हैं कोई गेमर और आपने एक जो है अभी अभी नया जो है एक पीसी बिल्ड किया है, खासकर गेमिंग के लिए या फिर हम बोले टाइपिंग के लिए या किसी भी वर्क के लिए अगर आपने एक नया पीसी बिल्ड किया है, तो अगर आपको पता होगा कि मैकेनिकल कीबोर्ड जो होते हैं उसमें आप काफ़ी अच्छी गेमिंग कर सकते हैं, टाइपिंग का भी अपना मज़ा आता है और काफ़ी ड्यूरेबल भी होते हैं। लेकिन मैकेनिकल कीबोर्ड जो है थोड़े से महंगे आते हैं, एक्सपेंसिव आते हैं, तो जो कम प्राइस वाले जो मैकेनिकल कीबोर्ड होते हैं उनको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आज के वीडियो में जो है हम आपके लिए एक 1500 रुपये से लेकर 2500 रुपये के बजट में आने वाले 5 ऐसे बेहतरीन गेमिंग जो है मैकेनिकल कीबोर्ड आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आप काफ़ी अच्छी गेमिंग कर पाएंगे, टाइपिंग वगैरह भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी और ये अपने बजट में आने वाले काफ़ी अच्छे जो है आपको वैल्यू फॉर मनी आपको दे देंगे। तो अगर आप जो है अगर 1500 रुपये से लेकर 2500 रुपये का आपका बजट है और आप एक मैकेनिकल कीबोर्ड खरीदने के लिए सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को जो है आप पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से कर लिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर प्रेस करना मत भूलिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने 5वें नंबर पर आने वाले कीबोर्ड की। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है HP की तरफ से आने वाला पवेलियन 500। ये जो है HP ब्रांड की तरफ से आने वाला मैकेनिकल कीबोर्ड है। ये आपको फुल 104 की का जो है मैकेनिकल कीबोर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बिल्ड क्वालिटी इसकी आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं अगर हम इसमें स्विचेस की बात करें तो इसमें आपको रेड स्विचेस देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर रेड स्विचेस जो है काफ़ी अच्छे स्विच माने जाते हैं। अभी इसमें किस ब्रांड के इन्होंने लगाए हैं इसके बारे में HP ने कुछ क्लियर नहीं बताया है, लेकिन आपको इसमें जो है रेड स्विचेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें इसमें, तो आपको RGB LED लाइटिंग वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी। काफ़ी ड्यूरेबल सा ये होने वाला है, लेकिन इसमें आपको जो है केबल की क्वालिटी जो है आपको ब्रीडेड नहीं मिलेगी, नॉर्मल इसमें आपको केबल देखने के लिए मिलेगी। और अगर हम कीज की बात करें तो इसमें आपको डबल इंजेक्शन वाली आपको फ्लोटिंग की आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ओवरऑल ये है एक काफ़ी अच्छा सा, हम इसको आप एक गेमिंग कीबोर्ड कह सकते हैं मैकेनिकल, क्योंकि ये रेड स्विचेस के साथ आने वाला है और HP की तरफ से आने वाला है। तो HP ने जो आपको बोला है वो आपको 100% मिलेगा, क्योंकि HP एक जो है रेपुटेड ब्रांड है। तो ये कीबोर्ड जो है आपको 1500 रुपये से 1800 रुपये के प्राइस रेंज के अंदर अमेजोन पर मिल जाता है। और यहाँ पर हमने जितने भी कीबोर्ड बताएंगे उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जहाँ से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हो, उससे चैनल को जो है थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं अपने 4th नंबर पर आने वाले कीबोर्ड। तो 4th नंबर पर आपको मिल जाएगा कॉस्मिक बाइट की तरफ से आने वाला CVGK 12 Nano। ये भी जो है काफ़ी अच्छा गेमिंग कीबोर्ड है, RGB फुली RGB एक गेमिंग कीबोर्ड है। और ये जो है पूरा स्लिम जो है एल्युमिनियम बॉडी पर बना हुआ कीबोर्ड है। RGB फंक्शन वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। पूरा 104 की वाला ये कीबोर्ड है। वहीं अगर हम इसके स्विचेस की बात करें तो इसमें आपको ब्लू स्विचेस देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पर भी इन्होंने क्लियर नहीं किया है कॉस्मिक बाइट ने कि यहाँ पर कौन से आपको जो है ब्लू स्विचेस देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो वहीं अगर हम इसमें फील की बात करें तो इसमें आपको जो है टैक्टाइल जो है आपको साउंड जो है सुनाई दे जाएगा, और काफ़ी अच्छे फ्लोटिंग की वगैरह इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। डबल इंजेक्शन जिसमें आपको जो है की कैप देखने के लिए मिल जाएंगे, और ये जो की कैप आते हैं वो रिमूवेबल हैं। वहीं अगर हम स्विचेस की बात करें तो ये 50 मिलियन जो है 50 मिलियन की स्ट्रोक के साथ आने वाले स्विचेस हैं। तो स्विचेस की क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं आप इसमें आपको रेनबो कलर यानी 10 लाइटिंग इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, 7 मोड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, वहीं ब्रीदिंग और इफेक्ट आपको देखने के लिए इसमें मिल जाएंगे। तो ये भी एक ओवरऑल काफ़ी अच्छा सा आपको मैकेनिकल कीबोर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ये भी लगभग आपको जो है 1700 से 1800 रुपये के प्राइस रेंज पर देखने के लिए मिल जाता है, और ये जो है ब्लू स्विचेस के साथ आता है। वहीं अगर इसमें एक और ऑप्शन आता है वो आपका ब्राउन स्विचेस के साथ आता है। तो ब्राउन स्विचेस जो है ब्लू स्विचेस और रेड स्विचेस के बीच के स्विच होते हैं, तो ये भी आपको काफ़ी अच्छा जो है आपको फंक्शन वगैरह आपको दे देंगे। आप ज़्यादा टक्टाइल आवाज़ नहीं चाहते हैं, एक मीडियम सी जो है आपको साउंड आपको सुनाई दे, तो ये आपको ब्राउन स्विचेस में भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। वो लगभग आपको 2000 रुपये के प्राइस रेंज पर मिल जाता है। अब हम बात करते हैं अपने 3rd नंबर पर आने वाले कीबोर्ड। तो 3rd नंबर पर आपको मिल जाएगा एंटी स्पोर्ट की तरफ से आने वाला MK 3000। ये काफ़ी फेमस एक मैकेनिकल कीबोर्ड है और अपने बजट के साथ जो पहली ये जो है 2000 रुपये के प्राइस रेंज पर मिलता है, लेकिन अभी इसका जो है प्राइस थोड़ा सा बढ़ के आ रहा है। ये लगभग आपको जो है 2400 रुपये के प्राइस रेंज पर मिलेगा। फुली जो है 104 की का ये गेमिंग कीबोर्ड है, और इस कीबोर्ड की अगर हम बात करें तो ये ब्रश्ड मैकेनिक मेटेलिक बॉडी के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं इसमें आपको जो है ऑटोमी ब्लू स्विचेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो चाइनीज ब्रांड वाले इसमें आपको स्विचेस देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन ये स्विच जो है आपको काफ़ी अच्छा आपको टैक्टाइल साउंड आपको मिल जाएगा, गेमिंग के लिए आपको काफ़ी अच्छे रहेंगे। इनमें आपको विंडो लॉक वगैरह का बटन देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं इसमें आपको जो है RGB LED इफेक्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 7 कलर इसमें आपको जो है बैकलाइटिंग वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी, और जो है इसमें हर एक लाइन में जो है आपको
अलग तरीके की लाइट देखने के लिए मिल जाएंगी और 6 जो है प्रीसेट ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो जहां से जाकर आप इनमें जो है चेंज कर सकते हैं। और ये जो है आपको डबल शॉट मॉड्यूल जो है ABS की कैप इसमें आपको मिलेंगे। तो ये जो की कैप हैं जो काफ़ी ड्यूरेबल हैं और काफ़ी आप इसमें जो है अगर आप काफ़ी रफ़ी अगर आप गेमिंग करते हैं तो इसमें आप काफ़ी अच्छी गेमिंग कर पाएंगे। और ये लगभग आपको जो है 2300 से 2400 के प्राइस रेंज पर मिल जाता है। तो ये भी एक ओवरऑल जो है काफ़ी अच्छा कीबोर्ड आपको मिल जाएगा। अब हम बात करें अपने दूसरे नंबर पर आने वाले कीबोर्ड की, तो दूसरे नंबर पर आपको मिल जाएगा रेड गियर की तरफ से आने वाला रेड गियर कैमेलिना मैकेनिकल कीबोर्ड। ये भी जो मैकेनिकल कीबोर्ड है और ये जो मेटेलिक बॉडी पर बना हुआ कीबोर्ड है, ये आपको फुल 104 की वाला आपको जो है कीबोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें स्विचेस की बात करें तो इसमें आपको केल ब्लू स्विचेस आपको मिल जाएंगे, RGB का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और ये जो है 8 आपको इंक्लूडिंग जो है डायनेमिक लाइटिंग इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, ब्रीदिंग वगैरह इफेक्ट आपको मिल जाएगा। और इसमें जो है इस कीबोर्ड की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको जो है एक रेड कलर का जो है ऊपर से कवर भी मेटेलिक जो है कवर भी मिल जाएगा, जो कि मैग्नेट के साथ जो इसमें मैग्नेट वगैरह लगी हुई है उसके जो है काफ़ी अच्छी तरीके से अटैच हो जाता है। तो अगर आप अपने कीबोर्ड को जो है थोड़ा रफ यूज करते हैं, अगर वहीं अगर आप जो है स्पिल प्रूफ भी आपको मिलेगा तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं मिलेगी। और ये जो है थोड़ा सा हैवी एक कीबोर्ड है और इसमें जो ब्लू स्विचेस आपको मिलेंगे तो वो भी आपको काफ़ी ड्यूरेबल आपको ये स्विचेस मिल जाएंगे। और ये भी कीबोर्ड आपको जो है लगभग 2400 से 2500 के प्राइस रेंज पर मिल जाएगा। अब हम अपने बात करते हैं पहले नंबर पर आने वाले स्विच की, तो पहले नंबर पर आपको मिल जाएगा एंड ई स्पोर्ट की तरफ से आने वाला MK34000W। ये भी जो है काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है और ये जो अपना जो पहले एंड स्पोर्ट का इससे पहले वाला जो 3000 वाला था उसका ये जो है एक अपग्रेड वर्जन है। इसमें भी आपको जो है फुली ब्रश मेटेलिक पैनल देखने के लिए मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा मेटेलिक पैनल इसमें आपको मिल जाएगा, फुल 104 की इसमें आपको मिल जाएंगी। वहीं अगर हम स्विचेस की बात करें तो इसमें आपको ऑटियम ब्लू स्विचेस मिल जाएंगे और ये काफ़ी अच्छा एर्गोनॉमिक डिज़ाइन के साथ आने वाला कीबोर्ड है। इसमें आपको 2 कलर मोड मिल जाएंगे, साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो है की कैप वगैरह भी काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, 12 इसमें आपको डेडिकेटेड लाइटिंग मोड मिल जाएंगी, 6 कलर LED बैक लाइटिंग इसमें आपको मिल जाएगी। और ये भी जो है डुअल इंजेक्शन मॉड्यूलेटेड ABS की कैप इसमें आपको मिलेंगे, फ्लोटिंग की कैप इसमें आपको मिलेंगे। तो ये भी एक जो है काफ़ी ड्यूरेबल और काफ़ी अच्छा आपको कीबोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा और ये भी लगभग आपको जो है 2400 से 2500 के प्राइस रेंज पर मिलता है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा कीबोर्ड होने वाला है। और यहाँ पर हमने जितने भी कीबोर्ड बताए उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।